السلام عليكم ورحمة الله. السلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلى الله على محمد. किसी ने भी जवाब सही दिया। क्यों, क्या क्या पूछा था, कौन सा जवाब था? हाँ सही। उसके बाद चलें शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह हम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अपने, फिर इंशाल्लाह आखिर में एक सरप्राइज टेस्ट हो जाएगा किसी भी वक्त और रिवाइज भी हो जाएगा। है कल हमारी क्लास यहाँ तक पहुंची थी, नमाज बाद तर्जुमा। हमने नमाज को तर्जुमे के साथ पढ़ा, यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इसको याद नहीं किया होगा, मुझे यकीन है। सही है, इसका तर्जुमा आप लोगों ने याद नहीं किया होगा क्योंकि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने याद इसको नहीं किया होगा। सही, खैर आखिर तक आपके लिए, आपके पास टाइम है, इंशाल्लाह इस क्लास कंप्लीट हो जाए, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर हम आखिर में सरप्राइज टेस्ट रख लेंगे और फिर साथ ही साथ नेट 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 अब सही सही और फिर उसके साथ ही साथ इंशाल्लाह रिवाइज भी कर लेंगे। सही है, आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मसाइल नमाज और मुस्तहबात नमाज जल्दी से। सही है, टाइम शॉर्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 25। सही, पेज नंबर 25 आज से सुनना है, क्वेश्चन आंसर आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी को सवाल हो तो याद रखे अपने जहन में और वो आखिर में सवाल कर सकता है। सही है, सही है। शायान हैदर, गुलफान शाह, किफायत हुसैन, अली हसन, आवाज क्लियर है? बुरहान, आवाज क्लियर है? मोहम्मद अली, आवाज आ रही है? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल नमाज, नमाज के अक्सर व बेशतर मसाइल जो हम जिसका ख्याल बाज़ोकात नहीं रख पाते या अगर रखना चाहते भी हैं तो हमें मालूम नहीं होता। सही है, तो आइए, ये बेशुमार हैं मसाइल नमाज, नमाज के मसाइल बहुत सारे हैं, इसका खुलासा आपके सामने बनाकर पेश किया गया है पॉइंट की सूरत में, इसको पढ़ लेते हैं। नमाज किबले की तरफ रुख करके पढ़नी चाहिए, यानी चेहरा, सीना और पेट किबले की तरफ हो, चेहरा, सीना और पेट किबले की तरफ हो, इनमें से कोई एक भी फिर गया, इस तरह से फिर गया कि उर्फ में कहा जाए कि ये किबले की तरफ नहीं है, तो फिर नमाज बातिल हो जाएगी। नमाजी का लिबास पाक और मुबाह होना चाहिए। सही है, यानी नजिस ना हो और गजबी ना हो, यानी चोरी का लिबास ना हो। सही है, मैंने किसी दोस्त से बगैर पूछे उसका लिबास पहन लिया, कपड़े पहन लिए। सही, अभी इजाजत नहीं ली है और दोस्त को मालूम भी नहीं है कि मैंने उसके कपड़े पहन लिए और मैंने उसमें नमाज पढ़ ली, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी। अब इसमें भी दो सूरतें निकलेंगी, अगर दिल मुतमईन है कि दोस्त को अगर मालूम चलेगा तो वो नाराज नहीं होगा। सही है, इजाजत होगी उसकी तरफ से तो ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सही है, यानी जो भी कपड़े हों अगर आपके नहीं है तो वो जिसके भी पहन रहे हैं तो वो आपको इसकी इजाज़त होनी चाहिए, चाहे भाई हो आप उससे पूछ लें। सही है, मैंने ये कपड़े पहने ताकि आपकी नमाज सही हो सके। नमाज की जगह मुबाह और साकिन होना चाहिए। सही है, नमाजी की जो जगह है वो मुबाह होनी चाहिए, यानी सबसे पहले तो यानी घर, मेरा घर अपना घर होना चाहिए। सही है, अगर मस्जिद है तो वो भी मुबाह होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। अगर किसी और के घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए घर वाले की। सही है,
जिस घर के दोस्त के घर में पढ़ रहे हैं या किसी रिश्तेदार के घर में, नेट रुका है क्या? आवाज अब आई क्या बात? सही है। नमाज किबले की तरफ रुक करके पढ़नी है, पहला पॉइंट। दूसरा, नमाजी का लिबास पाक होना चाहिए और मुबाह होना चाहिए। तीसरा, नमाज की जगह मुबाह हो, साकिन ना हो। सही है। साकिन का मतलब ये है जमीन स्ट्रेट होनी चाहिए, एक लेवल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। मामूली सा हो तो वो चल जाएगा, बहुत मामूली सा हो तो वो चल जाता है। लेकिन अगर हद से ज्यादा है, मसलन पाँव नीचे की तरफ है, सर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे सीढ़ियों पर बैठ के नमाज पढ़ना है, तो वो तो गलत हो जाएगी। सही, नमाज नहीं होगी। सही, शबी अब्बास अभी आ रहा हूँ आपकी तरफ। सही है। नमाज में तकबीरतुल अहराम वाजिब है, एक जो पहली जो हम पढ़ते हैं। सही है, वो वाजिब है, बाकी तमाम तकबीरें मुस्तहब हैं। सही है, बाकी तकबीरें जो हैं वो मुस्तहब है, पहली वाजिब है। पहली कौन सी? जिससे हम नमाज शुरू करते हैं, तकबीरतुल अहराम से। सही है। उसके बाद जो मुस्तहबात होती हैं, यानी वो सजदे से उठकर, रुकू से उठकर, रुकू में जाने के लिए जो करते हैं हम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जो हम कर रहे होते हैं, ये तमाम तकबीरें जो है मुस्तहब होती हैं। नमाज की किरत और तमाम जिक्र हालत सुकून में पढ़ें सिवाय बेहौलिल्लाह के, यानी रुकू में चले गए हम। सही है, रुकू में बिल्कुल स्ट्रेट होके, मतलब जैसे रुकू की हालत है, रुकू में चले जाएं बिल्कुल। फिर उसके बाद जिक्र शुरू करें, सुभान रब्बियल अजीम व बिहम्द। ऐसा ना हो कि पाँव हिल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। सही है, रुकू में गए और झूला झूल रहे हैं और हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, पाँव हिल रहा है, तो इससे नमाज बातिल हो जाती है फौरी फौरी तौर पर। सही, नमाज बातिल हो जाएगी। सजदे में भी ऐसी है। सही है, सजदे में सुभान अल्लाह का सीन हवा में। सही है, सीन हवा में, और सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वो भी हवा में, बाकी जो बीच का होता है वो नमाज में सजदे की हालत में पढ़ा जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सही, पहले सुकून से इत्मीनान से रुकू की हालत में चले जाएं, सजदे की हालत में चले जाएं, फिर जिक्र पढ़ें इत्मीनान के साथ, और फिर जब मुकम्मल हो जाए फिर उठें। नहीं, ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी करनी है और ना बहुत ज्यादा ताखिर करनी है अगर जमात के साथ पढ़ना नमाज। सही है। इसी तरह से अलहम और जो सूरा पढ़ते हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट और हालत में पढ़ना है। सही है, यानी कि हिल रहे हैं, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये नमाज बातिल कर देगा। सही है। मर्दों के लिए फजर मगरिब और इशा की किरत बुलंद आवाज से पढ़ना या करना वाजिब है। सही है। फजर फजर और मगरिब और इशा की नमाज में अलहम्द और जो दूसरा सूरा पढ़ते हैं वो बुलंद आवाज से पढ़नी है, पहली और दूसरी रकात में जो पढ़ी जाती है। सही है। लेकिन जोहर और असर की नमाज में सिर्फ बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, बाकी अलहम्द और जो दूसरा सूरह है वो हल्की आवाज से पढ़ते हैं। सही है। जैसे मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर आप खामोशी से पढ़ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अलहम्द कंप्लीट हो गई फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। सही है।
लेकिन अगर फजर मगरिब और इशा पढ़ना है तो ये पूरा जो है आपको बुलंद आवाज से पढ़नी है, सही है। लेकिन अगर नमाज जमात के साथ हो रही है तो किसी भी हालत में अलहम्द और जो दुसूरा है वो नहीं पढ़ना है, हत्ता बिस्मिल्ला भी नहीं पढ़नी है पांचों नमाजों में, सही है। अगर जमात हो रही है किरत और बिस्मिल्ला जो है वो सब इमाम पढ़ेगा, जो मस्जिद का पेशे इमाम है नमाज का वो पढ़ेगा। उसके अलावा जितनी भी नमाज की चीजें हैं वो सब हमें खुद से पढ़नी है जमात के अंदर, नमाज जमात, सही है, याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं है। खवातीन आ रहा हूं तक इरादा आ रहा हूं। खवातीन नंबर 7 आपने बुक खोली हुई ना, पेज नंबर 25, सही है, पॉइंट नंबर 7, खवातीन तमाम नमाजें आहिस्ता आवाज में पढ़ें, सही है, आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी या अपने घर में बता दीजिएगा खवातीन को। नमाज के कामों को तरतीब से और पे दर पे अदा करना जरूरी है, जैसा हमने वजू में भी पढ़ा था, सही है, यानी बारी बारी और तरतीब के साथ पे दर पे, ऐसा नहीं कि हम पहले सजदा कर रहे हैं फिर रुकू में चले गए फिर वो, यानी नक्शा ही बिगाड़ दिया हमने नमाज का। और बिल्कुल तरतीब के पे दर पे, यानी बिल्कुल जैसे कयाम किया फिर किरत फिर रुकू फिर सजदे में गए, एक तरतीब के साथ और पैदर पे, सही है। दौरान नमाज जानबूझकर कोई बात करने, किबले से मुंह फेरने या उछल कूद करने से नमाज बातिल हो जाती है, सही है। अगर कोई खुदा ना करे कोई गलती से हो जाए, सही है, कोई गलती से हिल जाता है तो वो मसला नहीं है, सही है। मसलन ऐसा हुआ, नमाज हालत नमाज में थे और कहीं से दूर से ब्लास्ट की आवाज सुनी गई, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसकी आवाज सुनी गई तो सारे नमाजी या मैं खुद हिल गया, सही है, सुन के, तो उससे नमाज बातिल नहीं होती, हालत नमाज में नमाज बातिल नहीं होती। लेकिन अगर कोई जानबूझ कर उछल रहा है कूद रहा है किबले से मुंह फेर रहा है, सही है, तो ये सब नमाज को तोड़ देते हैं, नमाज बातिल हो जाती है। दौरान नमाज ठीक है, दौरान नमाज खाने पीने रोने या तेज आवाज में हंसने से नमाज बातिल हो जाती है, रोने से भी नमाज बातिल हो जाती है, सही है। मगर ये कि रोना अगर खुदा के लिए हो, फकत और फकत खुदा के लिए हो तो वो मुस्तहब है, सही है, खुदा की याद में खुदा के खौफ से खुदा के आदाब के खौफ से रो रहे हैं तो ठीक है। लेकिन नमाज पढ़ने खड़े हुए हैं, मुझे औलाद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ और चीज चाहिए और मैं रो रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ रो रहा हूँ, तो नमाज बातिल हो जाएगी, सही है। यहाँ तक अगर किसी को सवाल हो तो मुझसे पूछ ले, कौन है, बिस्मिल्लाह, ये सवाल का नजर, जैसे कि आपने बताया मर्दों के लिए फजर और मगरिब इशा की रिकात बुलंद आवाज से करना वाजिब है, किरत करना वाजिब है, पर हमारी जोहर की जो नमाज होती है यहाँ इमामिया की तरफ उसमें जो आपने जैसे बताया अल्हम्दुलिल्लाह वो आगा पढ़ते हैं, तो यहाँ तो ये नहीं होता, आगा तो चुप रहते हैं, हमें पढ़नी पड़ती है। ना, 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 ना। पांचों नमाजों में इमाम जमात किरत करेगा, सही है, हमें खामोश रहना है, सही है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलहम से लेके वालीन और फिर दूसरा सूरा, नमाज जमात में हमेशा ये बात याद रखेगा पांचों नमाजों में, सही है, फजर जोहर मगरिब इशा जितनी भी है सब उसमें खामोश रहना है, हमें सिर्फ इमाम की किरत को सुनना है, सही है। बाकी जो नमाज के जुज है चाहे वो रुकू के हों या सुजूद के हों वो हमें खुद से पढ़ना है, बाकी हर चीज जो है हमें खुद से पढ़नी है हल्के आवाज से, सही है। अगर जमात नहीं है, मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ घर में पढ़ रहा हूँ या मस्जिद में ही पढ़ रहा हूँ अलग से अपनी नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मैं किरत खुद से करूंगा, लेकिन जोहर असर की नमाज में किरत हल्के से की जाती है, बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ना मुस्तहब है, सही है, सही है। कौन है, कौन है, कौन है, ये कौन है, सही है, बात समझ में आ गई, जी शबी अब्बास,
सर आपने जो बोला कि नंबर 3 में नमाज की जगह मुबा हो और साकिन ना हो, तो इसमें जो लिखा हुआ साकिन होना चाहिए। अच्छा साकिन होना चाहिए। हाँ ये वो सॉरी ये वाला, एक मिनट में बता रहा हूँ। मसन हम ट्रेन में बैठे हैं, सही है, और नमाज पढ़ी और ट्रेन चलना शुरू हो गई बहुत तेज, और हम हिल रहे हैं और नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो ये नमाज नहीं होगी। ये साकिन का मतलब यहाँ पे ही है, सही है। एक साकिन और भी होता है जो मैंने पहले बयान किया था, वो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बाद में पढ़ेंगे उसको, सही है जी सर। और जैसे जोर जोर असर की नमाज में तो मौलाना, मतलब मौलाना चुप रहते हैं, मतलब वो पढ़ते होंगे अपने लेकिन सबके सामने जोर से नहीं पढ़ते, तो काफी है तो हम लोग नहीं पढ़े, वो काफी हम लोग नहीं पढ़े जी जी वो जो मौलाना साहब जो किरत कर रहे हैं वो हम सब की तरफ से किरत कर रहे हैं, इसी का ठीक है। मतलब है बाजामात नमाज, इसी का मतलब होता है। तो जोर असर की मतलब नहीं पढ़े ना, बस हम कुछ भी नहीं वही पढ़ पढ़ेंगे। हत्ता बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी नहीं पढ़नी, नमाज बातिल हो जाएगी, सही है। अच्छा हाँ ये भी नहीं पढ़ना, सही है जी। तकी रजा सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हमारी नजर किसी और बंदे पे पड़ी है और पढ़ के फौरन गया तो हमारी नमाज क्या बातिल हो जाएगी, जैसे आगे वाले जो बंदा जमात मैंने में। कल इसको क्लियर किया था कि बहुत ज्यादा अगर हम किसी को मुड़ के देखें, ये करके देखें, तो नमाज बातिल हो जाएगी, सही है। बस मतलब अगर एक दफा पढ़े तो बातिल नहीं होगी, चेहरा बस इतने याद रखना कि चेहरा, ये जो चेहरा है, पेट है और सीना है, एक लम्हे के लिए भी अगर क़िबले की तरफ से फिर जाए तो नमाज बातिल है, सही। अब वो चाहे किसी को देख रहे हो या किसी को ना देख रहे हो, ठीक है। करार अब्बास सर आपने बोला था कि, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने जो किताब में लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। सर आपने बोला था कि ना अभी अगर अगर एक भी चीज हमने किबले से मोड़ ली तो नमाज बातिल हो जाती है अगर, लेकिन सर सिर्फ हम आके घुमाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। आंखें घुमाए आंखों का मसला नहीं है, सही है, आंखों का मसला नहीं है, लेकिन मकरूह है, नमाज के सवाब को कम करेगा, सही है। नजरों का सवाल होता है कि आंखें कहाँ होनी चाहिए नमाज की हालत में, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद हमने अभी पढ़ा भी था। हालत किरत में और हालत कयाम में नजरें सिजदगे की तरफ होनी चाहिए, सही है, सिजदगे की तरफ होनी चाहिए या जमीन की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी ये इस बात की अलामत है कि मुझे इसी जमीन में एक दिन वापस जाना है, सही है। फिर जब हम हालत रुकू में जाते हैं तो हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए, बहुत से लोग जो है सिजदगा पे देख रहे होते हैं, लेकिन मुस्तहब है कि पैरों को देखें, हालत रुकू में पैरों को देखा जाए और इस चीज को याद किया जाए कि रूह सबसे पहले पांव से निकलना शुरू होती है जिस्म से, सही। हालत सजदे में हमारी नजरें कहाँ होनी चाहिए, नाक की तरफ, नाक की तरफ, हालत सजदे में हमारी नजरें नाक की तरफ होनी चाहिए कि हमारी रूह जो इख्तिताम होगा बिल्कुल से जो निकल जाएगी, वो जो आखिरी मरहला होगा वो नाक होगी, नाक से खींच ली जाएगी रूह। तो ये हर चीज की एक इल्लत है, ऐसा ही नहीं है, सही है। और ये मैंने आपको साथ साथ मुस्तहबात भी बता दिए जी। हसन अब जैदी जल्दी से हसन जैदी हसनैन हसनैन जैदी आपका कोई इशू है फिर मैं देखता हूँ। मोहम्मद अली सर अभी जो आप बोल रहे थे कि नाक से रूह खींची आई है, थोड़ा आवाज कट कट के आ रही थी, वापस रिपीट कर रहा। मेरी आवाज कट 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 के आई है अभी जो बोला था वो आवाज कट कट के आई। अच्छा मैं ये कह रहा था अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही है, हाँ सही है। अगर ज्यादा इशू हो तो अपनी वीडियो पॉज कर देगा, सही है, फिर सुनिएगा तो आवाज क्लियर आएगी। मैं ये कह रहा था कि हालत नमाज में
नजरें कहाँ होनी चाहिए, इसके लिए उलमा ने बयान किया है कि हालत कयाम में, हालत किरत में जब हम अलहम पढ़ लें तो हमारी नजरें सजदेगा पे होनी चाहिए या जमीन की तरफ मुस्तहब है देखना, सही है। और हालत रुकू में हमारी नजरें पैरों की तरफ होनी चाहिए, पंजों की तरफ, सही है, ये मुस्तहब है। और हालत सजदे में जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारी नजरें नाक की तरफ होनी चाहिए। और तशहुद में हमारी नजरें गोद में होनी चाहिए, गोद की तरफ, सही है, सर झुका होना चाहिए और गोद की तरफ होना चाहिए, यानी ऐ मेरे परवरदिगार मेरी झोली में कुछ भी नहीं है, मेरी झोली खाली है सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं, ये इस बात के अलावा। तभी कहा जाता है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वा अतूबु इलैह, परवरदिगारा मेरे गुनाहों को बख्श दे। जी हसनैन दादी, हसनैन दादी कहाँ गायब हो जाते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी किफायत हुसैन, जंगे बदर मुझे याद है लेकिन क्या करूं, टाइम शॉर्ट है। जी हसनैन दादी नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। देखिए आपका माइक म्यूट व्यूट तो नहीं है, कुछ इस तरह का इशू तो नहीं है, या हैंड फ्री चेंज करें। देखते हैं अभी, सही है, नहीं तो चैट पर सवाल कर लो, मसला नहीं है, सही है। जी रजा, मोहम्मद रजा, कर जैसे हम नमाज पढ़े हों और कोई पीछे से आके धक्का दे दे तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी अगर हमने देख लिया उसकी तरफ। नमाज तो बातिल हो जाएगी जाहिर से, अगर हम इस तरह से गिरे हैं या हम गिरे नहीं है कि हम संभाल सकें हालत नमाज को, तो मुश्किल नहीं है। जाहिर है पे जब वो बिल्कुल ही धक्का दे देगा तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, गुनाहगार वो होगा लेकिन नमाज टूट जाएगी, सही है, क्लियर है, नमाज टूट जाएगी जी सर, अगर बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई नमाज की, लेकिन गुनाहगार वो होगा जिसने धक्का दिया है, गुनाह आपको नहीं मिलेगा, नमाज तोड़ने का गुनाह भी है, सही है, याद रखिएगा। अगर बिला वजह नमाज को तोड़ रहे हैं, हंस के ये जो शराइत बताई गई है इसका अगर हमने ख्याल नहीं किया और नमाज टूट गई तो हम गुनाहगार हैं। अच्छा जी चले, मुस्तहबात नमाज को पढ़ लेते हैं जल्दी से। अच्छा सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें और फिर इस क्लास के बाद दोबारा क्लास में आ जाइएगा 10 से 15 मिनट के लिए, लाजमी इस क्लास के बाद दोबारा क्लास में आ जाइएगा, नहीं तो एसेंट लगेगी, ये अटेंडेंस और वाली अटेंडेंस दोनों काउंट होंगी, मिलके एक अटेंडेंस बनेगी, सही है, लिंक से दोबारा क्लास में आ जाइए। बासिम बासिम अनम्यूट करें, बासिम ऑप्शन आ रहा है आपके पास अनम्यूट का, इसको अनम्यूट करें अपने आप को। बासिम देखें अपनी तरफ से कोई इशू है आपके, आपका इशू है, सही है, एक मिनट रह गया, एक मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, सही, अगर किसी को सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह। करार अब्बास के अलावा, करार ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। हसनैन दादी जी बोले ना, एक काम करें, ये सिस्टम से ऑनलाइन है, कंप्यूटर है हाँ, तो ये हैंड फ्री निकालें और हो सकता है आवाज आ जाए मुझे। जी बोले बोलें कुछ बोलें, घर में कोई हैंड फ्री है, मोबाइल की हैंड फ्री जी, सवाल गुलफान शाह, गुलफान शाह सवाल,
सर अटेंडेंस भेज दें। अटेंडेंस भेज दें, कोई मसला नहीं है। अभी कोई सवाल है चैप्टर के हवाले से तो पूछिए। नहीं सर। तो आप गायब क्यों रहते हैं, आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? सवाल किया करें, सही है, सवाल करेंगे तो जानेंगे, मुश्किलात हल होंगी, सही है। मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इस्लाम की राह में खूब मेहनत करें। जी हसन सदी सर, हमने माइक चेंज कर लिया, बारी आ रहा है आपको। अब आ रही है माशाल्लाह से। सर अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं किसी कमरे में और हमारी नमाज के सामने से कोई गुजर गया है तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी? नहीं, नमाज बातिल नहीं होती, सही है। यार सुन्नत क्या है हमारे यहाँ? नहीं, मीसम अब्बास। जी मीसम अब्बास। सर पेपर कब आएंगे? पेपर कब होंगे? अभी ये दे दो आके, अभी दे दो इम्तिहान, अभी ले लूं पेपर, अभी पेपर ले लूं? ले लें सर, सर ले ले। टेंशन ना ले, इंशाल्लाह हो जाएंगे पेपर, सही है। जंगे बद्र, खैर कल का रोज गुजर गया, जंगे बद्र थी कल, 17 रमजान मुबारक को जंगे बद्र हुई थी, इस्लाम का पहला मार्का जिसको कहते हैं गज़वा बद्र, मदीने से कुछ दूर, जिसका नाम था जंग बद्र, सही है। जंग बद्र में मुसलमानों की जो तादाद थी वो थी टोटल 313 और मुकाबले में दुश्मनों की तादाद लाखों हजारों में थी, या तो शायद लाखों में थी। अबू सुफयान का लश्कर था, अबू जहल का लश्कर था, और एक तरफ पैगंबर और उनके कुल मिला के भी 313 असहाब बन रहे थे। तो पहले तो मुसलमान बड़ा परेशान हो रहे थे, या रसूलल्लाह हम इतनी कम तादाद में और वो इतनी ज्यादा तादाद में, ना हमारे पास असला है ना कुछ। फिर बद्र में जब पहुंचे तो ऐसी जगह पे पहुंचे कि मुसलमान ऐसी जगह पे थे जहाँ पे जमीन अच्छी नहीं थी, और जहाँ पे दुश्मन थे वो जमीन ज्यादा अच्छी थी, तो मुसलमान थोड़े से मायूस होने लगे। फिर खुदा ने आपने मतलब मफहूम यह है कि खुदा ने पैगंबर के जरिए से मुसलमानों को समझाया, तुम लोग इस्तेकामत दिखाओ, इन तसरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम खुदा की मदद करो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। ये आयत बहुत मशहूर है, सही, और ये हम सब के लिए बहुत ही प्यारी आयत है। अगर हम इस आयत को समझ लें तो हमारी जिंदगी समझने के लिए यही काफी, मैं खुदा की मदद करूं और खुदा मेरी मदद करे, सही है। खुदा मेरी तब तक मदद नहीं करेगा जब तक मैं मदद ना करूं उसको। अच्छा, अब मैं खुदा की मदद करूं ये तो समझ में आ रहा है, खुदा मेरी मदद करे, लेकिन मैं खुदा की मदद करूं ये समझ में नहीं आ रहा, सही है। ये क्या हो सकता, ये क्या बात हो गई, मैं खुदा की मदद करूं? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि खुदा बंदे करीम चाहता है शुरू से जो मकसद हयात है, मकसद इंसान है, वो यही है कि खुदा चाहता है कि हम शुरू में भी बात कर चुके हैं कि इंसान को खुदा ने खलीफा बनाकर भेजा, सही, अपनी हुकूमत का, अपनी हुकूमत को नाफिज करने के लिए इंसान को खलीफा बना के भेजा कि इंसान जहां तक मुमकिन हो सके मेरी हुकूमत को नाफिज करे, अपने घर में, अपने माशरे में, अपने मुल्क में, अपने शहर में, और जगह जगह जहां जहां तक मुमकिन हो इस्लाम को नाफिज करे, यानी खुदा के हुकूमत को नाफिज करे। यही जो मैं खुदा की हुकूमत को नाफिज कर रहा हूं, इसी को कहते हैं खुदा की मदद करना, सही है। मैं खुदा की मदद करूंगा तो खुदा मेरी मदद करेगा, और ये काम मौजज़ाने तौर पे नहीं होगा, सही। अब हमारे बहुत से सवालात कंप्लीट हो गए कि क्यों मौलाए कायनात ने तलवार नहीं उठाई, या मौलाए कायनात ने दुआ क्यों नहीं करी, या मौजज़ा क्यों नहीं किया, सही। जनाब जहरा पर इतनी मुसीबतें आ गईं और खिलाफत छिन गई, फिर भी मौलाए कायनात ने कोई इजहार नहीं किया, बज़ाहिर गुस्से का इजहार नहीं किया, ना कोई जंग की, क्यों? क्योंकि क्या था कि इस्लामी हुकूमत यानी खुदा की हुकूमत खतरे में पड़ जाती, और पड़ गई थी, सही है। दूसरा काम जो करना था यानी हुकूमत को नाफिज करना था वो खुद इरादे बंदी खुदा बंदी से करना था, सही है। हाकिम खुदा ने दिया था मौलाए कायनात को,
मौलाए कायनात को की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हाकिम दे दिया था कि ये मैंने देखो हाकिम दिया है, इसकी पैरवी करो और जहां तक मुमकिन हो इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम को नाफिज करो। लेकिन क्या हुआ, लोग मौलाए कायनात से मुनहरिफ हो गए और अपनी अपनी खिलाफत बना ली, सही। तो उसके नतीजे में क्या निकला, मौलाए कायनात ने खामोशी इख्तियार कर ली। क्यों? मुसलमानों ने बाद अस पैगंबर खुद अपनी मदद नहीं करी, यानी मौलाए कायनात की मदद नहीं करी, यानी खुदा की मदद नहीं करी, सही। जब खुदा की मदद नहीं करी तो फिर खुदा ने भी उनकी मदद नहीं करी, और क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा खलीफा गुजर गया और फिर चौथे खलीफे के टाइम इनको ख्याल आया मुसलमानों को कि नहीं, मौलाए कायनात मैं खिलाफत तो बस अली का हक है। और फिर क्या हुआ, सारे लोग मौलाए कायनात के पास, ये सब बहुत तफसीली वाकया है और सब आप जानते होंगे मुझसे बेहतर, इंशाल्लाह इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिर मौलाए कायनात खिलाफत को कबूल नहीं करते, लेकिन फिर बहुत मुश्किल से जाके खिलाफत को कबूल करते हैं, सही है। फिर उन चार सालों में मुत्तसिल कर रहा हूँ जंगे बदर को भी और आज की शब जरूरत भी है, सही है। फिर उन चार सालों में या उन 3.5 बरस में मौलाए कायनात ने भरपूर कोशिश करी कि किसी तरीके से भी इस्लाम का निफाज हो जाए, मगर अफसोस ना हो सका। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जंगे बदर से हुई थी, जंगे बदर से ही हुई थी मुसलमानों की पहली जंग, सही। पैगंबर इस्लाम ने माल से लोग मुसलमानों की मदद करना चाहिए, माल खत्म हो गया, जनाब खतीजा का माल जो था वो सब खत्म हो चुका था। फिर खुफिया तौर पे इस्लाम फैलाते रहे, मुसलमान होते रहे, बस मुसलमान नहीं हुए, फिर काफिर बुग्ज में आते रहे कि बहुत तेजी से लोग पैगंबर इस्लाम के अखलाक से मुसलमान होते जा रहे हैं, अब क्या करें क्या करें। तो फिर क्या हुआ, मार का तश्कील पाया जंगे बदर का। जंगे बदर में क्या हुआ, यही हुआ, लोग मायूस होने लगे। फिर पैगंबर और रसूल खुदावंद आलम ने उम्मीद दिलाई कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब फिर क्या हुआ, वो 313,000 के लश्कर के मुकाबले में आए और फिर खुदावंद आलम ने मुसलमानों की तरफ से हजारों की तादाद में फरिश्तों का नुजूल फरमाया, सही, जंगे बदर में। और उन फरिश्तों ने काफिरों से जंग लड़ी, मुसलमानों ने भी जंग करी, यानी पहला कदम जो बढ़ाया वो मुसलमानों ने मोमिन ने। हमें भी यही करना है, पहला कदम हमें खुद बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम 10 कदम खुदावंद आलम आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम पहला ही कदम नहीं बढ़ाएंगे, बहुत से लोग थे जंगे बदर में शरीक नहीं हुए, हम तो नहीं आएंगे, सही, हम तो मारे जाएंगे, दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम तो नहीं जाएंगे, हमारा माल लूट जाएगा, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम तो नहीं जाएंगे, सही है। तो क्या हुआ, जो लोग 313 लोग गए थे, उन्होंने साबित कदमी दिखाई, उन्होंने खुदा की मदद करी, हुकूमत इस्लामी के निफाज में नाफिस करने में खुदा ने उन लोगों ने, उन मोमिनों ने मदद करी, उसमें काफी लोग शहीद भी हुए, और खासकर मौलाए कायनात का खास किरदार रहा उस जंगे बद्र में, और मुसलमानों को लाखों के लश्कर के मुकाबले में फतह नसीब हुई। और फिर यही, फिर जब मौलाए कायनात की तरफ खिलाफत आ गई, फिर मौलाए कायनात ने भी बड़ी कोशिश करी निफाज करने की, और बहुत बहुत ज्यादा इस्लाम को नाफिज किया, हक को अदालत को नाफिज किया, के आखिरकार दुश्मन ने फिर मौलाए कायनात को भी शहीद करवा दिया। फिर मौलाए हसन का दौर आया, मौलाए हसन ने भी अपनी जिंदगी में भरपूर कोशिश करी कि इस्लाम किसी तरह से नाफिज हो जाए, लेकिन उन मौलाए कायनात की भी सिर्फ 6 माह जो खिलाफत रही उसमें भी मुसलमानों ने उनको बहुत तंग किया, सही। जिन लोगों ने उनकी बैत करी थी सबसे पहले, उन्होंने ही आखिर में उनकी बैत को तोड़ दिया और उन्हीं के खिलाफ हो गए इमाम हसन के, सही। इमाम हसन अकेले रहेगा, तन्हा रहेगा, फिर करबला का मार का फिर जो है जंगे बदर की छवि बनकर सामने आया, यानी एक तरफ 72 और एक तरफ लाखों का लश्कर, सही। इमाम हुसैन ने भी बड़ी कोशिश करी इस्लाम नाफिज हो जाए, हत्ता के फिर नेट ना जी
हत्ता के फिर इमाम हुसैन से लेके फिर तमाम आइमा की जिंदगी में हमने देखा कि हर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम जहरे पे वाकिए करबला के बाद हर इमाम जैनुल आबिदीन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तकिये की हालत में चले गए और अपनी दुआओं के जरिए से इस्लाम को फैला नाफिज करने में लगे रहे, पूरी पूरी कोशिश करते। तभी यही हुआ कि फिर दुश्मन समझ गया छठे सातवें इमाम के दौर से कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो जाए अच्छी तरह से और फिर हम गए सही, शैतान मर्दूत नाकाम हो जाएगा। सही है, तो फिर क्या करना शुरू किया, इमामों को जिंदान में डालना शुरू किया, करंटीना करना शुरू किया घर में, आज ये लफ्ज समझ में आएगा लॉकडाउन। सही है, अपने घर में ही छठे इमाम को भी लॉकडाउन किया गया, उनके ऊपर नजर रखी गई दुश्मन ने उन्हें। सही है, सातवें इमाम आपके 14 साल कैद में रहे। फिर इस तरह से चलता चलता आया इमाम जमान अलैहि सलातु वसलाम तक, अजलल्लाहु ताला फरजहू तक ये बात पहुंची। अब खुदा ने कहा चूंकि मुसलमानों ने आइमा अलैहि सलातु वसलाम की मदद नहीं करी इस्लाम के निफाज में नाफिज होने में, हुकूमत इलाही नाफिज होने में, और एक के बाद एक कत्ल होता रहा, आवाज आ रही है किफायत, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, सही है, एक के बाद एक कत्ल होता रहा, अली कत्ल हो गए, हसन कत्ल हो गए, शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, सही है, तमाम आइमान शहीद हो गए। अब खुदा का इरादा बंदे ये इरादा है, ये है अब मैं इमाम को अपनी आखिरी हुज्जत को पर्दे गैबत में रख दूंगा, अब जब तक मुसलमान घुटने नहीं टेकेंगे, सही, मुसलमान इल्तिजा नहीं करेंगे, और आज इस पुरशोभ दौर में देखें लोग पुकार रहे हैं इमाम को, सच्चे दिल से पुकार रहे हैं कि इमाम आए और अदलो इंसाफ को नाफिस करें। अगर एक जो बाकल मुसलमान है वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि अब दुनिया में इन बढ़ते हुए मसाइल जैसे कोरोना की वबा और दूसरे मसाइल हजारों की तादाद में जो मसाइल हैं, इनका सिर्फ एक ही हल है, वो क्या है, इस्लाम का निफाज, इस्लामी हुकूमत का निफाज। सही, लेकिन अब क्या होगा, अब इमाम जमान भी गैबत पे चले गए, अब कुछ अरसे के बाद आइमा की मेहनत जो इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो, इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो, इमाम हुसैन की कुर्बानियां, मौलाए कायनात की कुर्बानियां, यहां तक के फिर एक के बाद एक उलमा मराजे इज़ाम की मेहरबानियां, उनकी मेहनत, उनकी दिक्कतें यहां तक पहुंची कि आज से तकरीबन कमोबीश 40 से 50 साल पहले एक इमाम खुमैनी जैसा शख्स खड़ा होता है और मजालिम के खिलाफ यानी जोर आजमाई करता है, दुश्मनों से लड़ता है और फिर एक इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती है। सही, और जो आज तक के माशाल्लाह से आज 50 बरस भी गुजरने वाले हैं और आज तक के कायम और दायम है। सही है, यही वो इस्लामी हुकूमत है जिसकी आरजू मौलाए कायनात से और रसूल खुदा से शुरू हुई थी। अब हमें इस जो आज नाफिल हो चुकी है इस हुकूमत में अपना अपना हिस्सा अदा करने की जरूरत है। आज हमारे पास रहबर भी मौजूद है और हुकूमत भी मौजूद है, अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो बस इमाम जमान के जहूर में और हमारे उनके दीदार में वक्त नहीं है, बहुत कम रह गया। सही है, अगर हम ताखिर करेंगे या हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे कि ये क्या है ये क्या नहीं है, बेतुके सवालातों में उलझ कर रह जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। इन तसरुल्लाह यंसुरुकुम, बस आप लोग खुदा की मदद करते रहे, खुदा आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। ये जो अभी हम सब बैठे हुए हैं तकरीबन जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन हैं और रोज क्लास में आते हैं टाइम पे, ये सब क्या है, ये खुदा की मदद है। सही है, खुदा की मदद है, आप खुदा की तालीम को हासिल कर रहे हैं, फिर खुदा भी आपकी मदद कर रहा है और इंशाल्लाह आपको किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचेंगे लाजमी तौर पर। सही है, मुस्तहबात नमाज जल्दी से पढ़ लेते हैं, बहुत आसान से हैं। सही है, फिर क्लास को क्लोज करते हैं। टाइम हो गया क्या, 2 मिनट रहेगा। सही है, फिर कल ज्यादा वैसे रहा नहीं, ज्यादा वैसे हमारा रहा नहीं, 4 चैप्टर रहेगा इंशाल्लाह, फिर हम पढ़ेंगे। सही है, लेकिन कोशिश करें छुट्टी ना करें। सही है, अब हमारी
और घर में पढ़े लाजमी लाजमी, क्योंकि पेपर्स में अब पेपर जिस दिन होगा उसी दिन ये लेके बैठेंगे क्या? नहीं, ये तो ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहन से निकलते रहते हैं बार बार। अगर आपने अभी से इसको याद कर लिया तो फिर आप मोहताज नहीं होंगे। हमारे असातिज़ा उलमा ने हमें बचपन में यही सब चीज़ें हमें इस तरह से याद करा दी थी कि अब हमें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है कि फलाने से मसला पूछ लो, फलाने से पूछ लो नमाज किस तरह पढ़नी है, यानी खुदा का शुक्र है किसी के मोहताज नहीं है। जी तकी रजा, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दें, अपनी अपनी सर, अटेंडेंस लगा दें। जी बोले बोले तकी, कल क्लास होगी? कल क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है। सही है, छुट्टी सही नहीं है। है, शायद सिर्फ 21 रमजान को छुट्टी हो। सही है, वो भी 20 रमजान को आपको ऐलान कर दिया जाएगा, एहतमाल है, यकीन है, यकीनन छुट्टी है क्या आपको बता दिया। जी हसन दी, जल्दी सर, पेपरों में गिफ्ट मिलेंगे? गिफ्ट क्या करना है गिफ्ट का? सर बताएं तो, गिफ्ट मिलेंगे? जाहिर है मिलेंगे, यकीनन मिलेंगे। सही है, वासिक हुसैन मेरे प्यारे भाई, छोटे से वासिक हुसैन, जी सर। कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ गायब हैं आप? वासिक हुसैन कहाँ गायब है? वासिक हुसैन बात क्या कर रहे हैं मुझसे? सही है, आपकी आवाज अटक रही है। सर मेरी आवाज अब आ रही है? सही, अभी सही आ रही है वासिक? चले कल याद दिलाइएगा मुझे, मैं आपसे बात करूंगा। नेट इश्यू कर रहा है आज। वासिक हुसैन मुझे कल याद दिलाइएगा लाजमी, मैं फिर कल आपसे बात करता हूँ। वासिक अली, वासिक अली यस सर, जी कैसे हैं आप? यस सर, ठीक है, जी यस सर, ठीक। कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो पूछिए। कहाँ गायब होते हैं आप? सर मैं पहले वीडियो बंद करें फिर बात करें। बताया कि लिंक यहाँ से मिलता है, तो मैं आज से क्लास लेना शुरू हूँ। बस आप मुझे बता दें कि चैप्टर कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ आज से? यस आज पहली क्लास ली आपने? सर, अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, YouTube आप ग्रुप में हैं क्लास के, WhatsApp यस ग्रुप में, सर हूँ, तो उसमें जो यस आपको सर, YouTube की क्लासेस चैनल्स पे क्लासेस मिलती होंगी रोज की, सही है, वो दो दो तीन दिन बाद वो कहाँ डलती हैं, नहीं तो मैं दोबारा से डाल दूंगा। सही है, 1 से लेके 11 तक के लेक्चर्स होंगे, वो आप दोबारा से क्लासेस ले लें लाजमी। सही है, पूरी पूरी ये क्लासेस जी रिकॉर्ड सर, हुई हमारी, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, लाजमी उसको लें, वरना तो बस मसला हो जाएगा आपको। सही है, मोहम्मद रजा, हर पेपर बुक में से ही आएंगे या जो आप वीडियो भेज रहे हो उसमें से आएंगे? नहीं पेपर तो नहजुल बलागा से आएंगे। हाँ अरे मजाक मजाक कर रहा हूँ, वो छोड़े, उसकी टेंशन नहीं ले, पेपर कहाँ से आएंगे। सही है, वो छोड़े, अभी पेपर रिजल्ट और इन सब की टेंशन नहीं ले, अभी क्लास की बात करें। अभी आपको कितना समझ में आ गया मुझे ये अशोर करवाए। सही है, हसनैन आप भी मेरे दोस्त, ये तो हसनैन रहती है, हसनैन रहती, हसनैन यस दीदी सर, कैसे यस हैं आप? सर, सर ठीक कहाँ गायब हैं? क्लास में होते हैं हूँ सर, रोज क्लास में लेते हैं हम तो। तो कुछ पूछते क्यों नहीं है, पूछा करें ना आप। अच्छा आप तो पूछते हैं भी, आज आपने पूछा है, वैसे भी पूछा करें। सही है, साथ में सर रहा हम करें। आपसे सवाल,
सर जो भी समझ नहीं आता वो हम आपसे पूछते हैं। सही है, ठीक है, शाबाश। अली हसन सलाम। अली हसन, अली हसन जी कैसे हैं? ठीक है। आपने बोला था सर नमाज वाला तर्जुमा का टेस्ट होगा, तो आपने याद कर लिया क्या? देखा कभी कभी ऐसे भी याद कराया जाता है। सही है। कोई बात नहीं है, अभी ये असल में हमारे अभी 3 से 4 चैप्टर रह गए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन टेस्ट ले लेंगे हाफ हाफ करके ओरल ऐसे ही। सही है, उसके बाद फिर हम 1-2 दिन में दोबारा से सारा रिवाइज कर लेंगे एक बार और। सही है, फिर इंशाल्लाह आपके पेपर्स हो जाएंगे, जो जो भी डेट आएगी आपकी, अभी अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। सही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं अटेंडेंस लगा के, बाकी अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात करना चाहता है ऐसा ही, तो फिर वो रुक जाए। सही है। हुसैन आलम। यस सर। कैसे हैं? ठीक है, ठीक। कैमरा खोल लेंगे आप, अपनी ज़ियारत करा दें। हमारा कैमरा खराब है। अच्छा, तो कहाँ होते हैं आप, क्लास में होते हैं? जी जी। तो आप कुछ पूछते क्यों नहीं है सर? हैंड रेस करते हैं आप, हमारा माइक ही नहीं खोलते। तो आप कैमरा खोल लिया करें ना, असल में मेरी तवज्जो उनकी तरफ बहुत तेजी से चली जाती है जो जिनके कैमरे खुले होते हैं, जाहिर वो नजर आ रहे होते हैं ना, तो वो फौरन तवज्जो उस तरफ चली जाती है। आप भी अपने कैमरे खोलें, और बाकी जो बच्चे जो कैमरे नहीं खोलते वो कोशिश तो करें कैमरा कैमरा खराब है ना, इसलिए हम नहीं खोलते। अगर कैमरे का इशू है तो मुझे फौरन से चैट पे मैसेज कर दिया करें। सही है, चैट पे भी मेरी नजरें होती हैं। सही है, उसे मैसेज कर दिया करें कि सर मुझे एक सवाल है, इस तरह से कुछ मुझसे ठीक है सर पूछ लिया करें। सही है, बाकी अभी कोई सवाल तो नहीं है? नो। ठीक है, अटेंडेंस लगा दें। वासिक हुसैन, मोहम्मद वासिक हुसैन सर, मेरे प्यारे भाई कैसे हो? अपना चेहरा दिखाओ थोड़ा सा, कैमरा थोड़ा नीचे करो। अभी आप मैंने अभी अभी देखा आपको क्लास में, आ रहे थे पहले क्लास में? यस सर। रेगुलर ले रहे हैं रोज? यस। पक्की बात है? तो कहाँ होते हैं आप, कुछ पूछते भी नहीं है? क्यों नहीं पूछते, पूछा करें, समझ में आ जाता है सब, वैसे भी कोई बात कर लिया करें, या मैं अच्छा नहीं लगता, वैसे कोई बात कर लिया करें। सही है, लाजमी कांटेक्ट में रहा करें, डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेंड समझो अपना। सही है, दोस्त। सही है, जो दिल करे पूछें और बात कर सकते हैं। सही है जी। शबी अब्बास सर, हमें जाना है, हम जाएं? बिल्कुल चले जाएं, अटेंडेंस लगाएं और चले जाएं। सही है। शायान हैदर सर, क्लास लीव कर लें? लीव कर दें आप, जा सकते हैं। सही है सर। हसन जी सर, एक दफा इस्तेहाला का मतलब समझा दें हमें एक दफा और। इस्तेहाला, अच्छा ये जो 10 चीजें हैं इसको सिर्फ अभी आप नाम याद कर लें। सही है, इसकी डिटेल अभी आपके है ही नहीं शामिल कोर्स में, तो आएगी भी नहीं पेपर में। सही है, अभी सिर्फ इसके नाम याद कर लें। मालूमात के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस्तेहाला यानी हालत का तब्दील हो जाना, यानी एक नजिस लकड़ी है, एक लकड़ी है वो नजिस हो गई वॉशरूम की वजह से या किसी वजह से नजिस हो गई। सही है, अब उसको हमने डाल दिया आग में। सही है, आग ने उसको जलाया और वो कोयला बन गई। अब वो लकड़ी नहीं है बल्कि कोयला है, तो ये जो कोयला बना है यानी इसकी हालत तब्दील हो गई, लकड़ी की हालत तब्दील हो गई, इस सिचुएशन को कहते हैं इस्तेहाला। इस्तेहाला। सही है। और सर ये सिर्फ नाम ही आएंगे? ये हाँ, जो 10 नाम है सिर्फ यही आएंगे? नहीं, आपके पास सवाल आया कि निजासत कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखते हैं। इसमें अभी आपके कोर्स में सिर्फ पानी को शामिल किया गया है, पानी की डिटेल को। सही है, पानी की डिटेल को आप याद कर लेंगे अच्छे से। वस्सलाम। सही जी। अली मेहंदी कहाँ हो? घर में। घर में हो? पंखा बंद किया हुआ है, एसी चल रहा है? नहीं नहीं सर।
कुदरती हवा है। कुदरती हवा आए है। अच्छा सर, और... हम ये बोलते कि जब आप बोलते हैं सवाल कर लो सवाल कर लो, जब हमें होता नहीं है, जब होता तो फिर आप दो से ज्यादा नहीं पूछते। पूछे चले, पूछे जितने सवाल पूछने पूछे आज। अरे आज है ही नहीं ना, ये तो पहले पढ़ा। सवालात के लिए पता क्या क्या करें, सवाल आया करें ना, बिल फर्ज अगर क्लास में हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो उसको लिख लो, मैंने 12 बोला है, सही है। उसके बाद ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है, सही है, पर्सनली आप उससे पूछ सकते हो। फिर ग्रुप को 9 से 9:30 बजे तक रोजाना खोला जाता है, शाम में 9 से 9:30 के दरमियान खोला जाता है, सिर्फ आप लोग के लिए। अगर किसी को परेशानी है, मुश्किल है, कोई सवाल है तो पूछ लो, सही है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यही है, मैं भी यही हूँ। अभी जो आप वाकया सुना रहे थे ना, उसमें आपका थोड़ा नेट इशू हुआ था। मेरा नेट इशू, मेरी तो क्लास रिकॉर्ड हुई है, सही है। अगर सुनना हो दोबारा तो नेट से सुन लीजिएगा, सही है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सही बताने की चीज जी। और किसी को? हसन, हसन यस सर, बात हुई है आपसे ना अभी? अभी आपसे बात हुई थी मेरी? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं, सही नहीं। अभी अब्बास, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, नबील अब्बास सलाम, कैसे हैं? नबील अब्बास आवाज आ रही है? नबील अब्बास आवाज आ रही है? वीडियो बंद करें, वीडियो बंद करें, फिर बात करें, जल्दी से बात करें, वीडियो बंद करें। आवाज आ रही है? कर दी सर। यस सर। कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो बताएं जल्दी से। सर अभी हमारा नेट चला गया था ना, हमने दोबारा ज्वाइन कर दिया है क्लास। अच्छा, आप रोजाना क्लास में आ रहे हैं, रेगुलर हैं? यस यस सर। तो क्वेश्चन क्यों नहीं आता आपकी तरफ से कोई, या तो समझ में नहीं आ रहा है, या तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है? सर समझ में तो आ रहा है। अच्छा, अगर कोई मुश्किल हुआ करे तो फौरन पूछ लिया करे, सही है, बिला झिझक, कोई मसला नहीं, सही है। यस सर, थैंक यू। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تمكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين। हसनैन दी, अगर इस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो नमाज टूट जाएगी, दुआ तो मांग ली है, दुआ की खैर है, सही है। यूं यूं करके जो आपने दुआ मांगी ना, अभी इस तरह से अगर आपने नमाज पढ़ ली तो फिर नमाज गई जी। मोहम्मद रजा सर, आपने अटेंडेंस ला दी, वो आप चैट पे भेज दें, बस लग जाएगी आपकी अटेंडेंस, सही है सर। भेज दी, जब रीज्वाइन दोबारा से होते हैं ना तो वो ना चली जाती है, इसलिए दोबारा से मैं लगाता हूँ, कोई मसला नहीं, दोबारा से लगाता। और सर मुबाह का मतलब क्या है? मुबाह का मतलब है हलाल, सही है। मसलन ये किताब है, सही है, ये मैं लाइब्रेरी से उठा के ले आया बगैर पूछे जी सर, सही है।
यानी मैंने चोरी की है, तो ये मेरे लिए मुबाह नहीं है, यानी ये गजबी है, मैंने गजब किया है। किसी का माल ना हक, मैंने गजब कर लिया, इसको कहते हैं गजब करना, सही है। अब ये गजब का उलट क्या है, मुबाह, यानी ये मेरे लिए मुबाह नहीं है, यानी हलाल नहीं है, जायज नहीं है कि मैं इसमें से एक लफ्ज भी पढ़ू भले ये कुरान ही क्यों ना हो, सही है। मैंने किसी के साथ चोरी की है तो यानी ये हलाल नहीं है। अब इसी तरह से अगर मैं किसी ऐसे घर में रह रहा हूं जो चोरी का घर हो, या मसलन आजकल बहुत से लोग ऐसे घर में रह रहे होते हैं जिसमें अपने भाइयों का हक नहीं दिया हुआ होता, बहनों का हक नहीं दिया हुआ होता, सही है, बाप मर जाता है फिर अपने भाई बहनों का हक नहीं देते, बहुत से लोग आज ये बहुत केसेस आ रहे हैं, सही। तो ऐसा घर क्या होता है, हराम का घर हो जाता है फिर, सही है। ऐसा घर जिसका बंटवारा होना है, लोगों को उसका हक देना है, उसके पैसे देने हैं, लेकिन नहीं दिया, वो घर क्या है, गजब का घर है, गजबी घर है, उस घर में नमाज नहीं होगी, सही है, नमाज पढ़ना जी सर, सही है। इंशाल्लाह फिर मैं इसको कल अच्छा याद दिलाया, इसको मैं मजीद कल डिफाइन कर दूँ, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खासकर आज की मजालिस में, सही है जी। हसन दी जाने सर, अगर हमें नमाज, हाँ बोले सर, अगर हमें नमाज में कोई तंग कर रहा है या नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है सर, अगर हम हल्का सा हिल गए या नमाज से हट गए तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको कोई धक्का दे रहा है या आपको बहुत ज्यादा हसार है, अगर हालत नमाज बिगड़ गई, यानी बहुत तेज हंस गए, तेज हंसने से नमाज टूट जाती, मुस्कुराने से नमाज नहीं टूटती, सही है। अलबत्ता बहुत ज्यादा करके जो हंसते हैं, अगर इससे हंस दिए और नमाज, तो इससे नमाज टूट जाएगी, सही है। तो नमाज तो टूट जाएगी लेकिन गुनाहगार आप नहीं होंगे, जो कर रहे हैं, जो हंसा रहे हैं वो गुनाहगार है, सही है। लेकिन आपने कंट्रोल करना है, कोशिश करनी है कि नमाज ना टूटे। मोहम्मद अब्बास जी, हर क्लास लीव दे, बस सही है। अब आप क्या, मैं लीव कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, सही है, अल्लाह, सही है।